नमस्कार, लाइव सिटीज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति झा। बिहार में नीतीश तेजस्वी की कृपा से बीजेपी नेता की बेटी बिहार में शिक्षक बनी है। जी हां, दरअसल आपको मालूम है कि बीपीएससी शिक्षक भर्ती लुक को लेकर किस तरीके से बयानबाजी हो रही है। राजनीतिक सरगर्मी तेज है और कहीं ना कहीं इस नीतीश सरकार पर भी सवाल उठ रहा है कि ये बिहार में जो शिक्षक भर्ती हुई है उसमें बड़े स्तर पर धांधली हो रहा है। हालांकि चर्चा इस पर काफी ज्यादा हो रही है, राजनीति भी हो रही है, विपक्ष के लोग इस पर आरोप भी लगा रहे हैं। तो वहीं अब यह भी सामने आया है कि नीतीश तेजस्वी की सरकार में और उनकी कृपा से बीजेपी के जो नेता है उनकी बेटी शिक्षक बनी है। इसको लेकर आरजेडी ने भी ट्वीट किया है और ट्वीट में साफ साफ शब्दों में लिखा है कि नीतीश तेजस्वी की कृपा ऐसी कि जो बीजेपी नेता है उनकी बेटी शिक्षक यहाँ पर बनी है। दरअसल मामला जो है वो यूपी से जुड़ा हुआ है। यूपी के बीजेपी के प्रवक्ता है, उनकी ही बेटी बिहार में शिक्षक बनी है और इसको लेकर आरजेडी ने क्या कुछ ट्वीट किया है वो भी हम आपको बताते हैं। दरअसल आरजेडी ने ट्वीट किया है, हे यूपी बीजेपी के प्रवक्ता, आपकी बेटी का बिहार में निष्पक्ष चयन समतामूलक राजनीति व समावेशी विकास की पर्याय अन्यायप्रिय समाजवादी सरकार के रहनुमा श्री नीतीश कुमार एवं नौकरी रोजगार के मुद्दे को राष्ट्रीय विमर्श बनाने वाली लोकप्रिय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव की उच्च सोच व कृपा से हुआ है। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं स्क्रीन पर कि आरजेडी की तरफ से जो ट्वीट किया गया है उसमें क्या कुछ लिखा हुआ है कि कैसे नीतीश और तेजस्वी दोनों के ही कृपा से यूपी के जो बीजेपी नेता है उनकी बेटी बिहार में शिक्षक बनी है और कहीं ना कहीं निष्पक्ष रूप से इसमें बहाली जो है वो भी निकाली गई है, किसी की तरफ कोई झुकाव जो है वो सामने नहीं आ रहा है। और वहीं आगे यहाँ भी आपको बता दें तो उत्तर प्रदेश के बीजेपी नेता है SN सिंह, उन्होंने भी सोशल मीडिया पर अपनी बेटी के फोटो के साथ एक पोस्ट शेयर किया है जिसमें भी उन्होंने लिखा है कि माँ वैष्णो देवी की कृपा से छोटी बेटी शिखा सिंह का चयन बिहार लोक सेवा आयोग की ओर से आयोजित शिक्षक पद पर हुआ है। और वहीं इसको लेकर आरजेडी ने ट्वीट करते हुए बहुत सारी चीजें लिखी है और कहीं ना कहीं जहां बिहार में 1,70,000 पदों पर जो शिक्षकों की भर्ती हो रही है लगभग इसकी प्रक्रिया संपन्न हो चुकी है और अब जो है सभी शिक्षक बनने के लिए तैयार भी है, लेकिन जब से ये बहाली निकाली गई है तब से इस पर राजनीति भी खूब हो रही है और विवाद भी बहुत ज्यादा हो रहा है। जहां एक तरफ इस बहाली को लेकर नीतीश सरकार पर भी निशाना साधा जा रहा है और विपक्ष लगातार हमलावर है कि कहीं ना कहीं इस पर बड़े स्तर पर गड़बड़ी हुई है, तो वहीं अब ये जो एक ट्वीट सामने आया है आरजेडी का, इन्होंने साफ तौर से बता दिया है कि बिहार में जो 1,70,000 पदों पर शिक्षकों की भर्ती हुई है या बहाली हो रही है उसमें पूरी तरीके से निष्पक्षता जो है वो दिखाई गई है और कहीं भी किसी के तरफ से कोई भी झुकाव जो है वो सामने नहीं आ रहा है। और इसको लेकर नीतीश सरकार भी यह कहते हुए नजर आ रही है कि कैसे बिहार में जो 1,70,000 पदों पर बहाली हुई है इसमें हर किसी को मौका दिया गया है। और तो आरजेडी ने ट्वीट किया है कि नीतीश तेजस्वी की कृपा से बिहार में बीजेपी नेता की जो बेटी है वो शिक्षक बनी है। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।